देख रहे हैं जी न्यूज़, आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। जी हां, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन इनमें कठिनाइयां बहुत सारी है। दूर दराज गाँव में शिक्षा का हाल बदहाल हो चुका है, ये आप भी जानते हैं। कहीं स्कूल नहीं है तो कहीं स्कूल में टीचर्स नहीं है, और अगर दोनों है तो पढ़ने वाले छात्र नहीं है। अंदाजा लगाइए इस साल में बेहतर शिक्षा का पूर्ण स्वराज मिलना कितना मुश्किल हो गया। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बच्चों की शिक्षा के लिए अपना संपूर्ण जीवन दे देते हैं। कहानी उत्तर प्रदेश के रायबरेली के एक छोटे से गांव की बताने वाली हूं। इस कहानी की नायिका कोई और नहीं, पूजा मिश्रा है, जिन्होंने गांव की पूरे इलाके में रहने वाले करीब 1000 बच्चों की तस्वीर और तकदीर बदल कर रख दी है। पूरी कहानी में आगे डिटेल में आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले आपके सामने कुछ आंख खोल देने वाले आंकड़े रखना जरूरी है, सिर्फ ये बताने के लिए कि हमारी कहानी की नायिका पूजा जैसी तमाम वो लड़कियां समाज के लिए आज की तारीख में कितनी बड़ी जरूरत बन गई है। कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह, तो बस राहें बनती चली गईं और बच्चे जुड़ते चले गए, लोग जुड़ते चले गए, और आज 23 बच्चों से शुरू किया था और आज लगभग 1000 बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, तो और सारे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं और हम बुक्स वगैरह सारी बच्चों को फ्री देते हैं। लेकिन पढ़ाई फ्री स्कूलों की तरह नहीं है, पढ़ाई इज़ एज गुड एज एनी अदर प्राइवेट स्कूल, क्योंकि बच्चों को यहाँ से निकल के ऐसा बनाना है ताकि ये बच्चों को अपने बच्चों को फ्री में पढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े और सब अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें। देखिए, जब भी स्कूल की बात होती है तो सबसे पहले दिमाग में ब्लैक बोर्ड आता है। जी हाँ, ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड की तस्वीर आती है और दूसरी तरफ उनके टीचर्स की तस्वीर होती है। इन दोनों तस्वीरों को क्या की एक रिपोर्ट में आप समझने की कोशिश कीजिए। आपके सामने देश के 3680 सरकारी स्कूलों में बच्चे बिना ब्लैक बोर्ड के पढ़ाई करते हैं, वो तस्वीर आप धुंधली कर दीजिए। आप देश के 20% शिक्षक अयोग्य है, यानी बच्चों को पढ़ाने लायक नहीं है। सरकारी स्कूल्स में 84% शिक्षकों को आपात स्थिति में फर्स्ट एड का इस्तेमाल तक करना नहीं आता है, वो जरूरी बातों का ज्ञान तक उनको नहीं है। 42% सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट्स का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, कहाँ पढ़ता है ये बच्चा, कौन सी क्लास में, किसी को नहीं मालूम। और अब आपको दिखाते हैं कहानी जो लाखों करोड़ों के लिए इंस्पिरेशन है, प्रेरणा का स्रोत है। फॉरेन रिटर्न पूजा मिश्रा की एक कहानी आपको जाननी जरूरी है। पूजा मिश्रा ये मानती है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। पूजा मिश्रा ने IIM कोलकाता से मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की। उन्होंने विदेश में जाकर नौकरी की। लेकिन पूजा मिश्रा को वो किक नहीं मिला। एक पॉजिटिव सोच के लिए साल 2012 में पूजा रायबरेली में अपने गांव लौटी। पूजा एक मकसद के लिए आई थी। उन्होंने देखा कि उनके गांव पुरासी में लोग अभाव की जिंदगी जी रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। पूजा ने फिर ठान लिया, अपने गांव के बच्चों का भविष्य वो संवारेंगी। साल 2012 में 23 बच्चों के साथ पूजा ने शिक्षा का नेक मिशन शुरू किया। बच्चे पूजा के मिशन में जुड़ते चले गए और 4 सालों में छात्रों की गिनती 23 से हजारों में पहुंच गई। बस एक छोटी सी सोच थी कि मैं आज जहाँ पे भी हूँ सिर्फ अपनी पढ़ाई के बूते पर हूँ, और वही जब मैंने इन बच्चों को देखा तो मेरा मन किया कि मैं इनको भी वही अपॉर्चुनिटीज़ दूँ ज़िंदगी में कि ये लोग भी अपनी ज़िंदगी बदल सकें, यहाँ से निकल के बाहर की दुनिया में जा सकें और वहाँ अपने पैरों पे अपनी काबिलियत के बल पे चल सकें। तो उसी पर्पस से हमने ये गुरुकुल की शुरुआत की है जहाँ ये सारे छोटे छोटे बच्चे हमारे आते हैं। तो ज़्यादा मैं बोलूँगी कि ये एक चैलेंजिंग टास्क था जो मैंने लिया, और आसान काम करने में तो कोई मज़ा नहीं है, मज़ा उसी में है जो कि थोड़ा मुश्किल हो, जिसको करने में लगे कि हाँ अब कर रहे हैं तो कुछ बदलाव आ रहा है। रायबरेली में हलोर के पुरासी गांव में शिक्षा की हालत बेहद खराब थी। पूजा ने गरीब बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा उठाया। 2012 में गुरुकुल नाम से स्कूल की शुरुआत की। गुरुकुल का एक ही लक्ष्य था, गरीब बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से मुफ्त शिक्षा देना।
धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ती गई और पूजा का मिशन कामयाब होता गया। यहाँ से निकल के बाहर की दुनिया में जा सकें और वहाँ अपने पैरों पे, अपनी काबिलियत के बल पे चल सकें, तो उसी पर्पस से हमने ये गुरुकुल की शुरुआत की है, जहाँ ये सारे छोटे छोटे बच्चे हमारे आते हैं और पढ़ते हैं, है ना, पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, और हम यही चाहते हैं कि ये बच्चे यहाँ से निकल के एक काबिल इंसान बने। गुरुकुल में छात्रों को न सिर्फ बुनियादी शिक्षा दी जाती है बल्कि उन्हें टेक्निकल और प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है। लाइफ की रेस में स्टूडेंट्स को तेज दौड़ना सिखाया जाता है। तो ये बताइए कि यहाँ पे आप कब से पढ़ रही हैं स्कूल में? सर, 2 क्लास से पढ़ रहे हैं। 2 क्लास से पढ़ रही हैं, बिल्कुल फ्री में आपको पढ़ाया जाता है? यस सर। यस सर। अभी आपको स्कॉलरशिप मिली है? यस सर। कितना? सर 10,000। 10,000 किस लिए दिया है आपको? सर, गरीब की वजह से दिया है, और सर पढ़ाई में अच्छे थे सर, रोज आते थे सर, इसीलिए दिया। अच्छी मिलती है जो कि सर, अच्छी समझ में भी आता है और सर लोग अच्छे पढ़ाते हैं। शुरुआत सिर्फ 23 छात्रों से हुई, राह में मुश्किलें भी आई, लेकिन पूजा रुकी नहीं, थकी नहीं, पूजा ने नेकी की राह छोड़ी नहीं, और आज 1,000 से ज्यादा बच्चों का भविष्य पूजा के गुरुकुल में सवर रहा है। मेरा फ्यूचर, तो मुझे लगता है कि अगर बच्चों का फ्यूचर ब्राइट हो गया तो मेरा फ्यूचर अपने आप ही ब्राइट है। मुझे अब जो अपने लिए अचीव करना था वो मैं कर चुकी हूँ। मैंने अपना IIM कर लिया, पढ़ाई कर ली, विदेश में नौकरी कर ली, जो मुझे अपने लिए करना था भगवान की कृपा से मैंने वो अपने लिए हासिल कर लिया। अब मुझे ये है कि बच्चों के लिए, यहाँ के लिए, जो समाज के लिए जो मैं कर सकती हूँ, वही मेरा फ्यूचर है। विदेश में रहकर स्वदेश को नहीं भूलने वाली पूजा मिश्रा आज एक मिसाल बन गई है। पूजा ने ये साबित कर दिया कि अगर हौसला बुलंद हो, इरादे पक्के और नेक हो, तो नेकी के रास्ते पर चलते हुए मंजिल पाने से कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती। विवेक श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, रायबरेली। देश को आप समझ रहे हैं ना, पूजा मिश्रा जैसे लोगों की कितनी जरूरत है? बहुत, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था का हाल बदहाल हो चुका है। स्कूल है, छात्र भी है, शिक्षक ही नहीं है। आंकड़े देखिए आप, देश में 1,06,000 स्कूल एक ही शिक्षक के भरोसे हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 1,06,000 स्कूल एक ही टीचर के भरोसे हैं। मध्य प्रदेश में 17,874 स्कूल एक ही टीचर के भरोसे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 17,602 स्कूल एक ही शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। राजस्थान में 13,000 स्कूल एक ही टीचर, एक ही अध्यापक, एक ही शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। आंध्र प्रदेश में 9,540 स्कूल्स एक ही टीचर के भरोसे चल रहे हैं। झारखंड में 7,391 ऐसे स्कूल है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही टीचर के कंधे पर, एक ही टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते हैं। बिहार में 3,708 स्कूल एक ही शिक्षक के वजह से चल पा रहे हैं, या उनके जिम्मे है ये इतने स्कूल। 30 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए, नियम ये है, 30 बच्चों पर एक टीचर। 3,19,000 प्राइमरी स्कूल्स में सिर्फ 2 टीचर हैं। ऐसे में कैसे पढ़ेगा देश और कैसे आगे बढ़ेगा देश? कुछ आंकड़े और देख लीजिए आप, शिक्षा व्यवस्था पर ये आंकड़े आपकी आंखें खोल देंगे। प्राइमरी स्कूल की संख्या कितनी है हमारे यहाँ? 8,58,916। प्राइमरी स्कूल में स्टूडेंट्स की संख्या क्या है? 26,84,194 प्राइमरी स्कूलों में छात्रों की संख्या है। देश में टीचर्स की कमी लगभग 9 लाख, या ये कह दीजिए 9.25 लाख है। प्राइमरी स्कूल्स में शिक्षकों की कमी 5.86, यानी 5,86,000। 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए, ये नियम बता चुकी हूँ मैं आपको। देश के स्कूलों में 43 बच्चों के लिए एक टीचर है बस। 37% स्कूलों में लैंग्वेज टीचर नहीं है एक भी। 31% स्कूलों में सामाजिक विज्ञान का अध्यापक ही नहीं है। 29% स्कूलों में गणित और विज्ञान के टीचर्स नहीं है। हर 5 में से एक प्राइमरी शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के लायक नहीं है।
शिक्षा व्यवस्था तो आपने देख ली, लेकिन समाज में अच्छाई और नेकी आपको बताना ये हमारी जिम्मेदारी है, खासकर इस बुलेटिन में। दुनिया कैसे चल रही है पॉजिटिव सोच की वजह से, तो नतीजा पॉजिटिव इसीलिए तो निकलता है क्योंकि आप पॉजिटिव सोचते हैं। उज्जैन के पॉलिटेक्निक कॉलेज से भी एक ऐसी ही सकारात्मक खबर आई है। कॉलेज के प्रोफेसर और स्टूडेंट्स ने मिलकर सोलर एनर्जी से चलने वाली एक साइकिल बनाई है जो सूरज की आग से चार्ज होकर करीब 30 किलोमीटर तक चल सकती है। सूरज की दोस्त ये साइकिल को तो देखिए आप। मेक इन इंडिया के शेर की दहाड़ का जवाब है सड़क पर सरपट दौड़ती ये साइकिल। दिखने में आम लेकिन फीचर्स खास हैं, इतने खास कि एक राइड की तमन्ना तो आप में भी जाग उठेगी। सोलर एनर्जी यानी सूर्य की किरणों में छिपी ताकत से चलती है ये साइकिल। टेक्नोलॉजी और पावर सेविंग के जमाने में हमारी तलाश अक्सर कुछ नया, टिकाऊ और आरामदायक होती है। हमारी इसी तलाश का जवाब है उज्जैन पॉलिटिकल कॉलेज के प्रोफेसर और छात्रों की ये काबिल टीम, जिन्होंने मिलकर सोलर एनर्जी से चलने वाली ये साइकिल इजाद की है। यानी अब पैडल पर पैर थकाने की बजाय आराम से इस साइकिल को सोलर बैटरी से चला सकेंगे। इसको तो हमने टोटली 24 आवर के लिए डिजाइन किया है कि जब तक सूरज होता है तब तक डायरेक्टली सोलर से रन करती है, जब सूर्यास्त हो जाता है तो बैटरी में जो पावर स्टोर हुआ है उससे ही अपना परफॉर्मेंस देती है। और इन केस अगर वर्स्ट कंडीशन हो तो फिर जो रियल उसको बाइसिकल मोड पे भी लाया जा सकता है कि कोई व्यक्ति परेशान न हो। प्रोफेसर रविंद्र शर्मा एंड टीम की सोलर साइकिल की कामयाब कथा हम आपको बताते हैं। दो सोलर एनर्जी प्लेट्स के साथ एक बैटरी का इस्तेमाल किया गया। एक बार चार्ज होने के बाद साइकिल करीब 30 किलोमीटर तक चल सकती है। इसके अलावा रात में साइकिल राइडिंग के लिए एक अलग बैटरी लगाई गई, जो दिन भर सूर्य की किरणों से चार्ज होकर रात में भी काम कर सकती है। इसमें जो मेन पावर है वो कंज्यूम बिल्कुल नहीं होगा और इसमें कोई किसी तरह की थकान भी नहीं होगी। और इसका जो जो कीमत की जहाँ तक बात है, ये एट प्रेजेंट तो जो हमने प्रोटोटाइप मॉडल डेवलप किया है जो कि 20,000 रुपये उसका रेंज है, लेकिन जब ये मास प्रोडक्शन होगा तो 10 से लेकर 12,000 रुपये इसकी कॉस्ट आ जाएगी। और इसमें सोलर पैनल 25 साल तक ऑपरेशन में रहते हैं, तो एक बार साइकिल खरीदने के बाद 25 साल तक रनिंग मोड में रहेगी। सोलर साइकिल करीब करीब मोपेड की तरह काम करती है। साइकिल में एक्सीलेटर लगा है जिससे साइकिल की स्पीड बढ़ाई और घटाई जा सकती है। साइकिल के पिछले हिस्से में दो सोलर प्लेट के अलावा एक बैटरी लगाई गई है। हैंडल पर मीटर और लॉक लगाया गया है ताकि साइकिल सुरक्षित रहे। सबसे बड़ी बात ये कि साइकिल सबके लिए है। सोलर साइकिल की लागत करीब 20,000 रुपये है। ज्यादा प्रोडक्शन में यकीनन लागत में कमी आएगी। देश के कई शहरों को स्मार्ट बनाने की तैयारी चल रही है। जाहिर है मुख्य सड़कों पर साइकिल ट्रैक भी बनाए जाएंगे, लिहाजा भविष्य वाली ये सोलर साइकिल सिटी को स्मार्ट बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, क्रिएटिविटी में और जुगाड़ में हमारा कोई जवाब नहीं है, लेकिन अगर इसे पॉजिटिव ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो सूरज की अग्नि को भी दोष